Hello everyone, welcome to UN channel Udgam Pathshala. I am Pratibha Nagpal and the chapter we are starting today is a chapter of class 9th of economics, that is poverty as a challenge. So basically hum is chapter mein padhenge ki poverty kya hoti hai, social exclusion and vulnerability kya hoti hai, aur hamari jo poverty hai, jo hamare desh mein poverty yani ki garibi jo hai, isko hum measure kaise kar sakte hain, yani ki poverty line ke through hum measure kar sakte hain, to uske bare mein padhenge. Hamare desh mein garibi hai iske kya kya reason hai, ये हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. और लास्ट में हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने ऐसे कौन कौन से मेजर स्टेप्स लिए, ऐसी कौन सी स्कीम्स बनाई जिसकी वजह से पॉवर्टी को दूर किया जा सकता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है पॉवर्टी, यानी कि गरीबी क्या होती है. ये एक ऐसी सिचुएशन है जब एक इंडिविजुअल अपनी जो बेसिक नीड्स होती हैं, अपनी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, उसको फुलफिल करने में अनेबल रहता है, असमर्थ रहता है. और आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो क्या है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड एजुकेशन, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, और अब इसमें एजुकेशन भी इंक्लूड है. ऐसी जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं, ये जो बेसिक नीड्स हैं, इसमें आपकी ये आते हैं. तो अगर एक इंडिविजुअल ये सभी आपकी जो नीड्स हैं इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वो पुअर की कैटेगरी में आएगा, पॉवर्टी की कैटेगरी में आएगा. पुअर कोई भी हो सकता है. आपकी जो रूरल एरिया की अगर हम बात करें तो उसमें लैंडलेस लेबर्स हो सकते हैं, जो कि विलेजेस यानी कि गांव में रहते हैं. और अगर हम अर्बन एरिया, शहरों की बात करें, तो यहाँ पे आपकी जो ओवरक्राउडिंग यानी कि जो बहुत भीड़ भाड़ इलाके होते हैं, उसमें जो लोग आपकी झुग्गी झोपड़ियों में आप देखते हो, तो वो आपके पुअर कैटेगरी यानी कि पॉवर्टी की कैटेगरी में आते हैं. और इंडिया में हर फोर्थ पर्सन, एवरी फोर्थ पर्सन पुअर है. नेक्स्ट आपका है सोशल एक्सक्लूजन. देखेंगे इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव इन द पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल, एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉयिंग सोशल इक्वालिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग. यानी कि इसमें कौन से लोग आते हैं, पॉवर्टी को इसमें कैसे बताया गया है कि ऐसे लोग, ऐसे पुअर लोग जो कि पुअर सराउंडिंग में रहते हैं, ठीक है, यानी कि उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो अपने आप को डेवलप कर सके, अपने स्किल्स को बढ़ा सके या फिर सोशल इक्वालिटी को एंजॉय कर सके. इनके साथ भेदभाव होता है और इसी वजह से ये जो है अपनी जो ये पॉवर्टी की सिचुएशन है इससे बाहर नहीं निकल पाते और ऐसे लोगों के साथ भी नहीं रह पाते, उठना बैठना इनका नहीं होता, जो कि बेटर सराउंडिंग में होते हैं. तो आपके सोशल एक्सक्लूजन में यही लोग हैं. नेक्स्ट आपका है वल्नरेबिलिटी. इट डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन अदर पीपल व्हिच इज डन ड्यू टू अर्थक्वेक और सिंपली फॉल इन जॉब्स. वल्नरेबिलिटी की जो सिचुएशन है ये तब अराइज होती है जब आपकी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, ठीक है, नेचुरल कैलमिटी आ जाती है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, तो उसमें जो लोग हैं उनकी जॉब्स चली जाती हैं, वो लोग बेघर हो जाते हैं. तो ऐसे जो सिचुएशन आती है वो आपकी वल्नरेबिलिटी कहलाती है. और ये आपको कैसी कम्युनिटीज में देखने को मिलेगी, आपके जैसे कि बैकवर्ड कास्ट के लोग हो गए, विडोज हो गए या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए, ये इस वल्नरेबिलिटी की सिचुएशन में कवर होते हैं. नेक्स्ट आपका है पॉवर्टी लाइन. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम पॉवर्टी को कैसे मेजर कर सकते हैं, हम पॉवर्टी की लाइन के थ्रू मेजर कर सकते हैं, यानी कि गरीबी रेखा के थ्रू हम इसको मेजर कर सकते हैं. तो इसका क्या काम है, इट इज अ वे यूज टू आइडेंटिफाई द पुअर. इससे हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा पर्सन पुअर है, ठीक, वो कैसे पता चलेगा अभी हम आगे पढ़ेंगे. इट इज अ मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी, यानी कि कैसा मेथड है जिससे हम पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं. In this method, poverty is measured with the help of consumption level of people. अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम इसमें poor लोगों को देख सकते हैं कि identify कर सकते हैं कि कौन लोग poor हैं या कौन लोग poverty की category में आ रहे हैं. वो कैसे, यानी कि आप अपने रोटी, कपड़ा और मकान पे कितने पैसे खर्च कर रहे हो. तो अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट जो दिया हुआ है, जो हमारी सरकार डिसाइड करती है, उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हो, अगर एक्सपेंस कर रहे हो तो आप उस पुअर कैटेगरी में नहीं आओगे. लेकिन अगर उससे नीचे आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है तो आप पुअर कैटेगरी में आएंगे, यानी कि पॉवर्टी में आएंगे. जैसे कि आपका इसमें एक सेंसस भी, एक डाटा दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू 2011 एंड 12, यानी कि 2011 और 12 के अनुसार जो एक्सपेंडिचर है पर पर्सन का, प्रति व्यक्ति का, रूरल एरिया की अगर हम बात करें तो ₹816 है, यानी कि रूरल एरिया में ₹816 है. और वहीं अर्बन एरिया की बात करें तो ₹1000 है, ठीक है, ये पर पर्सन की बात हो रही है. और वही जो आपका एक्सपेंडिचर है पर फैमिली इन रूरल एरिया, वो ₹4080 है, और वही रूरल एरिया में इतना है, और आपका अर्बन एरिया में है ₹5000. अब आप ये देख रहे हैं कि रूरल एरिया में पर पर्सन और अर्बन एरिया में पर पर्सन डिफरेंट है. वो क्यों है, क्योंकि आपका अगर हम बात करें अर्बन एरिया की, तो वहां पे महंगाई होती है, ठीक है, आप चाहे छोटी से छोटी चीज ले लो, जैसे कि आप आइसक्रीम ले लो, तो वहां आपको शहरों में ज्यादा महंगी मिलेगी, है ना, और वहीं आपको
जो रूरल एरिया है उसमें आपको सस्ती मिल जाएगी। तो इसी वजह से जो आपकी एक्सपेंसेस हैं, जो एक्सपेंडिचर है, वो पर पर्सन एंड पर फैमिली डिफरेंशिएट हो रहा है आपका रूरल एरिया में भी और आपका अर्बन एरिया में भी। नेक्स्ट आपका है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। अब हम पूरे देश पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में कैसे कैसे जो है पॉवर्टी का सीन है, या लोगों ने क्या किया है कि पॉवर्टी रिड्यूस हो जाए। क्या हमारे देश में पॉवर्टी डिक्लाइन होने के जो रेट है वो ज्यादा है, रैपिड रेट है, या कम है? तो इसमें हम वो पढ़ेंगे, देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट। ये आपका रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये रेट लिखा हुआ है, ये आपका रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है। यानी कि आपका चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है इसमें जो है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली है। यानी कि जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत तेजी के साथ इसमें ग्रो हुई है, फास्टली ग्रो हुई है, अच्छे से बोल सकते सुधार आया है, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हुई है। नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज कम डाउन फ्रॉम 85% इन 1981, यानी 85% में 1981 में 85% था, तो ये कितना रिड्यूस हो गया है, 2008 तक सिर्फ 14% रह गया है। और अगर हम वही बात करें 2011 तक ये सिर्फ 6% रह गया है। यानी कि आप ये देख सकते हो कि चाइना में कैसे पॉवर्टी रिड्यूस हुई है, बहुत ही रैपिड रेट के साथ हुई है। और वहीं अगर हम बात करें साउथ एशियन कंट्रीज की, तो जैसे कि आपका इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसी जो कंट्रीज है, इसमें इतना जो गरीबी कम हुई है वो इतनी तेज दर के साथ नहीं हुई है। यानी कि कम तो हुई है लेकिन ज्यादा तेजी के साथ कम नहीं हुई है। वहीं अगर हम बात करें लैटिन अमेरिका की, तो इसमें डिक्लाइन हुआ है पॉवर्टी में फ्रॉम 11% इन 1981, यानी कि 1981 में 11% थे, तो वहीं 2008 में ये कितनी रह गई, 6.4%। तो ये जो हमारा टॉपिक था इसमें हम इसमें ये दिखाया गया कि देश के अलग अलग भागों में कैसे पॉवर्टी रिड्यूस हुई, कहीं पे बहुत तेजी के साथ रिड्यूस हुए, कहीं पे कम हुई रिड्यूस। नेक्स्ट आपका है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। हमने ये तो पढ़ लिया कि पॉवर्टी क्या होती है, सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, तो अब हम इस टॉपिक में ये पढ़ रहे हैं कि पॉवर्टी यानी कि गरीबी के कारण क्या क्या है। जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया था, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई कि उससे कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, आपकी रिसोर्सेज कह लो या आप लैंड कह लो, वो इंडिया में बहुत ज्यादा है, यानी कि अनइक्वल है। किसी के पास तो बहुत ज्यादा है और किसी के पास नहीं है, और किसी के पास ठीक ठाक है। यानी कि आप इसमें देख सकते हो कि जिन लोगों के पास ज्यादा है या जिन लोगों के पास बहुत कम है, तो पुअर और रिच के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से ये गैप जो है वो इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो ये आपका एक मेन रीजन है ऑफ द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, हमारे देश में पॉलिसीज तो बहुत बनाई गई पॉवर्टी को रिड्यूस करने की, लेकिन उसका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, यानी कि वो सही तरीके से लागू नहीं हुई, तो इसकी वजह से भी जो पॉवर्टी जितनी कम हो जानी चाहिए थी उतनी कम हुई नहीं। स्मॉल फार्मर्स टेक लोन फ्रॉम बिग फार्मर्स एंड देन अनेबल टू पे। जो आपके छोटे छोटे जो किसान भाई होते हैं, हमारे जो छोटे किसान भाई हैं, जो कि आप बोल सकते हो कि जो वो लोन लेते हैं, ठीक है, तो वो बिग फार्मर से लेते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो रेट होता है, इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो काफी कई बार ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और वो फॉर्मल सेक्टर से इसलिए नहीं लेते क्योंकि वहां पे फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। तो कई बार क्या होता है, जो छोटे हमारे किसान भाई होते हैं, जब ये लोन लेते हैं बड़े फार्मर्स से, तो कई बार इनकी जो फसलें हैं वो खराब हो जाती हैं, तो इनकी सिचुएशन पहले से भी बिगड़ जाती है। यानी कि पहले इनके पास लोन तो नहीं होता, ठीक, लेकिन ये लोन लेकर अपनी खेती करते हैं, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन, वो आपका नेचुरल क्लैमिटी भी हो सकता है, वो कोई भी रीजन हो सकता है, जिससे उनकी फसल खराब हो जाती है और वो पहले से भी बैड सिचुएशन में आ जाते हैं, ठीक। तो वो फिर असमर्थ हो जाते हैं, अनेबल हो जाते हैं कि वो अपना लोन कैसे उतारे, और लोन लिया हुआ होता है उन्होंने तो उसके साथ उसमें इंटरेस्ट भी ऐड होता है। तो ये दोनों चीजें इन जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं इनके लिए काफी दिक्कत बन जाती है, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है। अब हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी आपका जैसे पॉवर्टी है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसका मेन रीजन जो होता है ना, वो होता है पॉपुलेशन। यानी कि जो पॉपुलेशन, जो जनसंख्या इतनी बढ़ रही है ना डे बाय डे, तो उसका यही रीजन है पॉवर्टी का भी और अनएम्प्लॉयमेंट का भी। डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो वैकेंसीज इतनी निकल नहीं रही है, तो इसकी वजह से क्या है, पॉवर्टी बढ़ रही है, ठीक। लोगों को जैसा काम चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है, और लोग अगर मजबूरी में भी काम कर रहे होते हैं, यानी कि उनको चाहते नहीं है कि वो ऐसा काम करें, बट उनको मजबूरी में वो काम करना पड़ता है, और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, वैकेंसीज है नहीं, तो लोग बेरोजगार हैं, तो वो पॉवर्टी का रीजन हो गया।
लास्ट हमारा जो इसमें पॉइंट है वो है शो ऑफ, यानी कि इंडिया के लोगों की एक ये भी बोल सकते हैं प्रॉब्लम है कि वो शो ऑफ ज्यादा करते हैं, ठीक है, यानी कि उनके पास इतना पैसा नहीं है लेकिन शो ऑफ करने के लिए सोसाइटी के चक्कर में, ठीक है, वो ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। जैसे कि आप मैरिज का एग्जाम्पल ले लीजिए, एक फैमिली है जिसके पास इतना पैसा नहीं है लेकिन वो सोसाइटी के चक्कर में कि हाँ हमें अच्छे से करनी है शादी, सिर्फ ये कहलाने के लिए कि शादी बहुत ग्रैंड थी, बहुत अच्छी हुई, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा लोन ले लेते हैं। यानी कि एक पेरेंट्स के पास, उनके पास इतना पैसा नहीं है बट सोसाइटी की वजह से ही वो लोन लेते हैं, अपने बच्चों की शादी करते हैं, तो वो भी एक आपका मेन रीजन है पॉवर्टी का। लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एंटी पॉवर्टी मेजर्स, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए, ऐसी कौन सी स्कीम्स बनाई जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है रिड्यूस हो सकती है। तो पहले है आपका प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, फिर है आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, थर्ड है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, फोर्थ है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और लास्ट है आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और ये आपका जो है लास्ट वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नरेगा, जो कि आपका एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला आपका दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ठीक है, ये जो आपकी स्कीम थी ये 1993 में आई थी और इसका मेन एम क्या था कि ऐसे लोगों की मदद करना जो कि रूरल एरिया में रहते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये आपकी 1995 में लॉन्च हुई थी और इसका एम क्या था, ऐसे लोगों की मदद करना जो अपना अपना खुद का बिजनेस जो है स्टार्ट करना चाहते हैं, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं विलेज में या फिर स्मॉल सिटीज में। थर्ड आपका दिया हुआ है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये आपका 1999 में आपकी लॉन्च हुई थी। इट लिफ्ट पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी एंड चीप लोन्स, इसमें जो है पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस करने का थाना गया, जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या स्कीम चलाई इसमें कि वो जो है लोगों को पॉवर्टी से उभारेंगे, यानी कि पॉवर्टी से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि सब्सिडी देकर या फिर चीप लोन्स देकर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जो आपका ये वाली स्कीम है ये आपके 2000 में लॉन्च हुई थी। इन दिस स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड द स्टेट गवर्नमेंट टू बिल्ड स्कूल्स क्लिनिक हाउसेस एक्सेट्रा इन विलेजेस टू फुलफिल देयर नीड्स, यानी कि ये जो आपकी योजना है, ये जो आपकी स्कीम है ये 2000 में आई थी और इस स्कीम के अंतर्गत क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने फंड दिए, यानी कि पैसे दिए, फंड दिए किसको, आपकी स्टेट गवर्नमेंट को दिए ताकि वो अपने राज्य में स्कूल्स बना सके, क्लिनिक्स ओपन कर सके, हाउसेस बना सके, सो दैट जो आपका विलेज है उसमें, आपका जो गाँव है उसमें आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसको फुलफिल किया जा सके। जैसे कि लोग बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन स्कूल्स नहीं है तो गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए गए, कंस्ट्रक्ट किए गए, ठीक है, ऐसे क्लिनिक कंस्ट्रक्ट किए गए और आपके हाउसेस भी कंस्ट्रक्ट किए गए, तो इनसे क्या देखने को मिल रहा है, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल किया जा रहा है। लास्ट है आपका महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2000, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो नरेगा एक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2000 में आया था और इसमें क्या था, गवर्नमेंट ने क्या वादा किया कि 100 डेज के लिए जो है इट एम्स टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू एंश्योर लिवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया, 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन, यानी कि इसमें इस स्कीम के अंतर्गत लोगों की गरीबी से उनको गरीबी से निकालने के लिए ये इस स्कीम में बात आई, यानी प्रोविजन ये आया कि लोगों को 100 दिन तक, साल में कितने हैं 365 डेज, तो 100 दिन तक उनको जो है काम मिलेगा, और अगर 1% ऐसी सिचुएशन आती है कि उनको काम नहीं मिल रहा तो बेरोजगारी भत्ता उनको मिलेगा, यानी कि वो काम नहीं कर रहे लेकिन उसके बावजूद भी उनको पैसे मिलेंगे। और इसमें जो जॉब्स का प्रोविजन था उसमें जो 1/3 जॉब्स हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व करके रखी गई, ठीक। तो ये हमने 5 इसमें स्कीम्स देखी, इसमें नरेगा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा, एंटी पॉवर्टी मेजर्स, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए, स्कीम्स बनाए जिससे कि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। इफ यू लाइक दिस वीडियो और चैप्टर, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल उगम पाठशाला एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच।